रुद्रप्रयाग में हेली टिकट के नाम पर ठगी करने की शिकायत पर पुलिस एक्शन मोड में है। गुप्तकाशी और फाटा क्षेत्र में संचालित दो संदिग्ध होटल स्वामियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर फर्जीवाड़ा, कालाबाजारी और ओवर वेटिंग की शिकायतों की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने थाना प्रभारी गुप्तकाशी और एसओजी की टीम को एक्शन मोड में रहने के निर्देश दिए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हेली कंपनियों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस टीमों ने हेली सेवा कंपनियों के स्टाफ और हेलीपैड पर मौजूद यात्रियों और लोगों से पूछताछ भी की। हालांकि पूछताछ में पुलिस को किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं मिली, लेकिन पुलिस कार्यवाही से विभिन्न हेलीपैडों पर हड़कंप मचा रहा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ हेली टिकट्स को लेकर बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़े तथा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आज एसओजी की टीम तथा गुप्तकाशी और सोनप्रयाग पुलिस की टीम द्वारा अलग अलग हेलीपैड पे छापेमारी की गई, जिसमें जो जो लोग वहाँ पे काउंटर के एरिया में पाए गए जो बिना टिकट के थे, उनको चेक किया गया, उनकी इंक्वायरी की गई और जो भी संदिग्ध थे, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि दो होटल मालकों ने मालकों को हमने कब्जे में लिया है, जिनकी पूछताछ अभी की जा रही है। और ये एक लिंक थी जो हमें मेल के थ्रू प्राप्त हुई कि होटल मालिकों के थ्रू और ट्रैवल एजेंट के थ्रू लगभग 25,000 से 30,000 रुपये में हेली टिकट का उपभोग किया जा रहा है। तो इसमें जो होटल मालिक है उनकी इंक्वायरी की जाएगी, उसमें जो भी चयन होगी, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ जहाँ तक ये जो ये सप्लाई उसमें है, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।